कक्षा 12 हिंदी। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को पार्ट 1 दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है भाग 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें पहले क्या दिया हुआ है। तो ये पंछी दिखाई दे रहा है और बच्चे हैं उसके इंतजार कर रहे हैं और ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है घर की तरफ ये लोग भाग ले रहे हैं। तो इसी का सारांश पहले पाठ का ले लेते हैं। क्या है पाठ में सारांश, तो उसके बाद और आगे चलेंगे। तो यह है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका सारांश है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है जो बच्चन ने निशा निमंत्रण से लिया गया। बच्चन की जो है निशा निमंत्रण से लिया गया। पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, यानी बढ़ता जाता है। चिड़िया भी दिन ढलते ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए तेजी से फड़फड़ाते हुए उठती है, लेकिन कवि की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कवि के लिए प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा है, उनकी पत्नी जीवित नहीं है यह सोचकर उनके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। प्रस्तुत गीत इसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता है आपका। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंखी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देखते हैं इसके, शब्दार्थ लेते हैं जरा हम लोग। तो पथ मीन्स होता है राह रास्ता, पंखी मीन्स यात्री, ढलता मीन्स समाप्त होता है। पहले इसके संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावाद उत्तर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। प्रसंग की बात करते हैं। इस कविता में कवि ने क्षण प्रति क्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। व्याख्या की बात करते हैं जरा। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य अर्थात अपने बसेरे या प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे समय जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। कवि बार बार दोहराता है कि शीघ्रता से बीत रहा। प्रश्न है अब कवि के अनुसार कौन और क्यों थक गया। तो उत्तर है बच्चों ये, कवि के अनुसार दिन एक पथिक है, सुबह से शाम तक चलते चलते थक जाता है। कवि ने यहाँ अपने जीवन यात्रा की ओर भी संकेत किया है, वह भी संघर्ष करते करते थक गया है। अगला प्रश्न है थका हुआ पंथी किस कारण तेजी से चलता है। तो ये उसका उत्तर है बच्चों, थका हुआ पंथी मंजिल को पास आता देख उसे पाने की लालच में जल्दी जल्दी चलता है। तीसरा क्वेश्चन है दिन का पंथी कौन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। यह है दिन का पंथी स्वयं दिन, कवि या सूरज हो सकता है। कवि ने स्वयं को भी दिन के समान ही एक यात्री माना है। अगला प्रश्न है कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि मंजिल को शीघ्र प्राप्त करने की आशा से प्रेरित हो उठता है। अगला प्रश्न है काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है बच्चों, इस काव्यांश में प्रेम की व्याग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन ढलने के भय में उसकी प्रेम जन्य व्याग्रता झलकती है। नंबर 2 की बात करो, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो चलिए प्रकाश भी डालते हैं, ये इसका उत्तर है। भाषा व अभिव्यक्ति सरल सुकोमल और प्रवाहपूर्ण है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति अलंकार की छटा है और पंथी जल्दी जल्दी में स्वमैत्री के रूप दर्शनीय है।
काव्यांश में विषादकता एवं विज्ञेयता के गुण मौजूद है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की रचना किस छंद में हुई है? तो ये उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश की रचना गीत छंद में हुई है। इसमें प्रवाह है तथा लय और तुक के कारण संगीतात्मकता है। यह एक मुक्तक छंद रचना है। दिन जल्दी जल्दी भगता है, इसका एक रिकॉर्ड चल रहा है। ये अगला उसमें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़िया की भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी भरता है। शब्दार्थ की बात कर लेते हैं जरा। प्रत्याशा मतलब आशा, नीड मीन्स घोसला, पर मीन्स पंख होता है, चंचलता मीन्स गतिशीलता व्याज होता है। चलिए देखते हैं, संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावादक कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। प्रसंग की बात करते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए चिड़ियों का उदाहरण दिया है। व्याख्या करते हैं जरा। कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब यह सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आतुरता पूर्वक घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो उसके पंख तेजी से गति करने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगते हैं। अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उसके कदमों में तेजी ला देती है। प्रश्न है, काव्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है? बच्चों ये उत्तर है इसका, कवि ने यह स्पष्ट कहा है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। चिड़िया जब बच्चों के लिए भोजन लेने दूर निकल जाती है तो वापसी में उसके पंख जल्दी जल्दी चलते हैं। बच्चों के प्रति ममता के कारण उसके उड़ान की गति और उसके मन की व्याकुलता बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे नीड़ों में से क्यों झांक रहे होंगे? तो उसका ये उत्तर है बच्चों, चिड़ियों के बच्चे जानते हैं कि शाम होने पर उनके माता पिता घोंसले में लौटते हैं और उनके लिए भोजन लाते हैं। उनके आने की आशा में वे घोंसलों से झांक रहे हैं। नंबर तीसरा है, चिड़ियों के परों में आई चंचलता का क्या कारण है? तो उत्तर है बच्चों, इसमें चिड़ियों के बच्चे जानते हैं कि शाम होने पर उनके माता पिता घोंसलों में लौटते हैं और उनके लिए भोजन लाते हैं। उनके आने की आशा में वे घोंसलों से झांक रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मानव मन की किस भावना को व्यंजित किया गया है? तो चिड़ियों के परों में आई चंचलता का कारण यह है कि वह अपने बच्चों के लिए अत्यंत चिंतित है। वह दिन ढलने से पहले जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने, उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। चौथे को मैं कुछ और आंसर बता गया, जरा फिर से लेते हैं चौथे को। प्रस्तुत पद्यांश में मानव मन की किस भावना को व्यंजित किया गया है? तो चलो देखते हैं इसके उत्तर की ओर बने बच्चों। ये है, प्रस्तुत पद्यांश में मानव मन की ममता तथा प्रेम की भावना का वर्णन किया गया है। अपने प्रिय लोगों से मिलने की भावना ही पति को तेज चलने की प्रेरणा देती है। यह है प्रश्न आपका, काव्यांश में भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि ने चिड़ियों के घोंसले में माँ की प्रतीक्षा करते व्याग्र होते शिशुओं का मार्मिकता से चित्रण किया है। साथ ही चिड़िया के बच्चों की चिंता में जल्दी जल्दी फड़फड़ाना विशेष रूप से दर्शनीय है। दूसरा है, काव्यांश में शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल और प्रवाहमयी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा और स्वमैत्री के रूप दर्शनीय है।
नंबर तीसरा है काव्यांश में किन चित्रों द्वारा मानविकता उत्पन्न होती है। ये इसका उत्तर है बच्चों, माँ का रास्ता देखते घोंसले से झांकते बच्चों का मार्मिक चित्रण तथा बच्चों का ध्यान करते ही तेजी से पंख फड़फड़ाने के वात्सल्य समाहित चित्रों द्वारा काव्यांश में प्रभावी बिंब निर्मित हुआ है जिसका प्रभाव मार्मिक है। चलिए अगले इसको देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे मिलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देखते हैं जरा इसके बच्चे, विकल मीन्स व्याकुल है हित के लिए, चंचल मीन्स है क्रियाशील, शिथिल मीन्स है ढीला, पद मीन्स पैर और उर मीन्स हृदय होता है, विहलता बेचैनी और भाव मीन्स आतुरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों संदर्भ की तरफ, प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावाद उत्तर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। प्रसंग, यह कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं बच्चों, कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई क्यों व्याकुल होगा, मेरा तो कोई अपना नहीं है, फिर भी मैं किसके हित के लिए जल्दी करूं, यह प्रश्न हमारे पैरों की गति को मंद कर देता है। कवि का मानना है कि प्रेमानुराग हमारे हृदय में आतुरता का संचार करता है तथा प्रिय से मिलने की जल्दी में हमें एहसास होता है कि दिन के ढलने की गति कुछ बढ़ सी गई है। प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यह प्रश्न कवि के मन में किस कारण उठता है। तो ये बच्चों उत्तर है इसका, कवि देख रहा है कि पक्षी अपने बच्चों से मिलने के विचार से जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाकर अपने घोंसलों की ओर उड़े जा रहे हैं। अचानक कवि के मन में विचार उठता है कि वह घर पहुंचने की जल्दी क्यों कर रहा है, घर पर उससे मिलने के लिए कोई प्रियजन आतुर नहीं है, उसकी पत्नी पहले ही दिवंगत हो चुकी है, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। इसका उत्तर है, कवि से मिलने वाला कोई नहीं है इसलिए उसके पैरों में चंचलता की जगह शिथिलता आ जाती है। दिन का ढलना कवि को कैसा प्रतीत होता है। ये उत्तर है बच्चों, कवि को लगता है कि उसका जीवन रूपी दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है और उसमें अब शाम होने वाली है। कवि का मन किस बात से आशंकित है, किससे आशंकित है वो बताया गया है। तो नंबर अगला आंसर इसका, कवि सोचता है कि ऐसी स्थिति में जबकि सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने की व्याकुलता मन में लिए हुए हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा कौन है जो उससे मिलने को व्याकुल हो, यही प्रश्न उनके मन को आशंकित कर देता है। प्रश्न है, इस गीत के भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, ये इस गीत में कवि ने बीते समय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आतुरता का चित्रण किया गया है। प्रियजन के मिलने की आतुरता बोलते समय के साथ किस प्रकार प्राणियों के मनोदशा एवं उनके क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, इस गीत में इनकी सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा है, गीत के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। चलो देखते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो गीत की भाषा सरल है, सहज एवं प्रभावपूर्ण है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं दिन का पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नंबर थर्ड है, काव्यांश में प्रयुक्त प्रश्नालंकार की यहाँ प्रभाविकता स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों, काव्य में प्रश्नालंकार की प्रभाविकता सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में प्रकट होती है। यहाँ मैं हूँ किसके हित चंचल,
के प्रयोग से कभी हृदय में कार्य गति पर नकारात्मक भाव प्रभाव प्रभावी है। अब प्रश्न उत्तर पे चलते हैं बच्चों। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो उत्तर है बच्चों, ये जग जीवन का भार लिए घूमने से कवि का आशय सांसारिक सम्यक दायित्वों के निर्वहन से है। कवि इस विषय में आम सांसारिक जनों के समान अपने दायित्वों के निर्वहन से परहेज नहीं करता है, किंतु वह संसार की निरर्थक बातों की परवाह न करते हुए प्रेम अनुराग के महामत्य को संसार समझे इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कवि की ऐसी समझ एक दूसरे का यथार्थ में विरोधी नहीं है अपितु पूरक है। प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो उत्तर है, दाना फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान या अकलमंद। जहां पर दाना होते हैं वहीं पर नादान होते हैं, कवि का यह कथन सत्य की खोज के संबंध में है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही रहते हैं, किंतु यथार्थ सत्य के स्वरूप से दोनों ही अनभिज्ञ हैं। इस संबंध में दोनों की स्थिति एक सी होती है। अज्ञानी तो अज्ञानी होता ही है, किंतु ज्ञानी होने का अहंकार ज्ञानियों को भी सत्य तक नहीं पहुंचने देता। अतः ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की बस्ती अलग अलग नहीं होती, दोनों एक ही समाज के अंग हैं। प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्तियों में और शब्द की विशेषता बताइए। तो उत्तर है बच्चों, यहाँ और शब्द की तीन बार भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। प्रथम और कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है और जो भिन्न या अन्य अर्थ विशेष में है, जिसके द्वारा वह स्वयं को आम सांसारिक जन जो भौतिक संसाधनों के संग्रह और उपभोग में रत हैं उनसे अलग करता है। दूसरा और तथा अर्थ में प्रयुक्त अवयव है। तीसरा और सांसारिक सुख और संसाधनों में रत रहने वाले लोगों की संकेतार्थ है। प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, ये वाणी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाव कोमल और कठोर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वाणी की कोमलता मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना छिपी है। यही वह आग है जिससे कवि शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? उत्तर है, बच्चे अर्थात चिड़ियों के बच्चे अपने घोंसलों से सिर निकालकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं जो उनके लिए भोजन एवं स्नेह लेकर लौटते हैं। बच्चे आशावादी होते हैं, सुबह से शाम तक आशा एवं धैर्य के साथ अपने लिए स्नेह एवं भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो उत्तर है बच्चों, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता इस अर्थ विशेष की ओर संकेत करती है कि दिन भर अपने दायित्वों के निर्वहन तले दबे व्यक्ति को अपने या अपने बारे में सोचने के लिए अवकाश नहीं होता है, किंतु जैसे ही उसका अपने अथवा अपनों के बारे में तनिक भी ध्यान जाता है, उसे ऐसा एहसास होता है मानो समय के पंख लग गए हों। उसका मन अपनों के लिए आधीर हो उठता है, अपनी मंजिल या अपनों से जल्द मिलने की आधीरता से जल्दी जल्दी ढलता है का अभिप्राय है। प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी
खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ढूंढता रहिए सांसारिक जीवन में नाना विध दायित्वों के निर्वहन स्वरूप बहुत बहु प्रकार की व्यस्तता एवं झंझटों के कारण संसार में अनेक कष्टों को सहन करना मनुष्य की नियति है। सांसारिक जीव यदि भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त स्वस्वार्थ परायण जीवन से परे प्रेम अनुराग जिसका मूल उच्च त्याग में सन्निहित होता है वो अपना कर अपने जीवन में खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकता है। सांसारिक सुख संसाधनों के वश में होना ही मनुष्य के दुखों व कष्टों की सबसे बड़ी वजह है। इनके त्याग में ही मनुष्य जीवन की खुशी व मस्ती समाहित है। प्रश्न है आत्म परिचय शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या सार्थकता है वो देखना उत्तर है। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं की अस्मिता को इस दुनिया के सामने प्रकट कर रहा है। उसका हृदय प्यार बांटता है संसार फिर भी उस पर कटाक्ष करता है। अतः वह अपने दिल में आग लिए फिर रहा है। अपने मन की हर बात कवि स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। वह अपने भग्न सपनों का खंडहर हो रहा है। वह अपने संपूर्ण मादकता को लेकर घूम रहा है। इस प्रकार कविता की एक एक पंक्ति उसका परिचय दे रही है। अतः आत्म परिचय शीर्षक उचित एवं सार्थक है। कवि सुख और दुख दोनों उपस्थितियों में प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो उत्तर है, कवि कहते हैं कि मैं दुख में ज्यादा दुखी नहीं हुआ और न ही सुख में ज्यादा सुखी हुआ। उसने दोनों ही स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा क्योंकि ये दोनों स्थितियां मानव जीवन में आती जाती रहती हैं। इसलिए कवि सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न रहता है। प्रश्न है, इस कविता में कितने नादान कहा गया है और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, इस कविता में सांसारिकता के दाने चुगने में उलझे मनुष्य को नादान कहा गया है। कवि के अनुसार जो सांसारिक मनुष्य निराभोगी होता है वह नादान होता है क्योंकि कवि प्रेम की कोमलता दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है। वह भावनामय संसार को सार्थक मानता है। प्रश्न है, जब मंजिल दूर हो तो वहां तक पहुंचने की हमारी मानसिकता कैसी होती है? तो उत्तर है बच्चों, ये जब मंजिल दूर हो तो लोगों में शीघ्रता चंचलता एवं आशंका की मानसिकता व्याप्त होती है। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचा जाए ऐसी मनोकामना होती है। वह लक्ष्य को पाने के लिए गति बढ़ाता है और पहुंचने से पहले आने वाले व्यवधान से बचता है। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर है बच्चों, दिन के जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलने की आशंका में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण प्रत्येक कार्य समय रहते शीघ्र कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है आवृत्ति द्वारा कविता में समय के तेजी से व्यतीत होने का संकेत दिया गया है। इस हर प्रकार के प्रतीक को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी गति में तीव्रता लानी चाहिए क्योंकि समय की गति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। साथ ही बीते समय को कभी लौटाया नहीं जा सकता। समय का ध्यान रखकर पक्षी भी अपनी गति तेज कर देते हैं। प्रश्न है, आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। वह जीवन के कष्टों में भी प्रेम को जीवित रखे हुए है। उनका हृदय किसी के प्रेम में अभिभूत है। वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। कवि सदैव अपने मन की कोमल भावनाओं में डूबा रहता है। वह नित नए सपनों के संसार की रचना में लत रहता है। प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रेम की व्याकुलता को व्यक्त किया है। पथिक को अपने प्रियजनों से मिलने की चाह है इसलिए वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयास
करता है। इसी प्रकार अपने बच्चों के विषय में सोचकर पंछियों के परों में फड़फड़ाहट भर जाती है। वे जल्दी जल्दी अपने मेड़ की ओर लौटना चाहते हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा में कोई नहीं बैठा है, इसलिए कवि के कदमों की शिथिलता तथा मन में व्याकुलता है। यहाँ कवि मानता है कि जीवन में तीव्रता का कारण प्रेम है। प्रश्न है, इस कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो उत्तर है, बच्चों इस कविता में चिड़िया संध्या समय अपने मीड़ में लौट जाना चाहती है। उसके पंख थक चुके हैं मगर वह उड़ रही है। जैसे ही उसे यह ध्यान आता है कि उसके नन्हे बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो चिड़िया के पंखों में थकान की जगह तेजी आ जाती है और वह अधिक तीव्र गति से उड़ने लगती है। वह चाहती है कि अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करूं, उसके मुंह में दाना डालूं, उसे स्नेह से अपने पंखों में छिपा लूं। अर्थात कवि बच्चों की प्रत्याशा को जीवन की गति और आशा का कारण मानता है। कवि अपने मन का गान किस प्रकार गाता है? तो उत्तर है, कवि कहता है कि मैंने हमेशा अपने मन की मानित बात मानी है। कवि का कहना है कि उसने कभी अपने मन के प्रति लापरवाही नहीं की, उसने हमेशा वही किया जो उसके मन ने कहा। उसने कभी भी दुनिया की परवाह नहीं की, इस प्रकार वह केवल अपने मन की ही गाना गाता है। प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि ने किस मनोवैज्ञानिक सत्य को वाणी दी है? तो उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि ने बताया है कि कोई प्रेरणा मनुष्य के कार्यों में तीव्र लगन पैदा करती है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का विश्वास हमें तेजी से चलने को प्रेरित करता है, अन्यथा स्थिरता तथा जड़ता हमें घेर लेती है। मैं और जग और कहाँ गाना था, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, उक्त के द्वारा कवि संसार और अपने भावों को अंतर को स्पष्ट करना चाहता है। वह स्वयं की प्रेम भावनाओं के लोक में जीना चाहता है, जबकि संसार के लोग स्वार्थों के वशीभूत जीवन जीते हैं। इस कारण से उसका संसार से सहज नाता नहीं बन पाता है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो, और इस बेल आइकन को भी दबाना है जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके मेरे चैनल को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदेश प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।